नमस्कार दोस्तों, मैं सक्सेस यादव स्पोक्स पर्सन पर आप सभी के साथ एक बार फिर से एक नई कहानी को लेकर हाजिर। आज तारीख मौजूद, हर बार की तरह जैसा कि आप सबको पता है कि क्राइम से जुड़ी कहानियां मैं आप लोगों को सुनाता हूं, तो ऐसी ही एक कहानी के साथ एक बार मैं फिर से हाजिर। वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन, बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। चोरी से जुड़ी आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, हॉलीवुड बॉलीवुड की कहानियां सुनी होंगी, देखी होंगी। ट्रेन रोबरी के बारे में आपने सुना होगा, फेमस है। लेकिन आज मैं आपको चोरी की एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाऊंगा जिसे जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को ताजुब होगा कि कोई चोर इस तरीके से भी किसी चोरी को अंजाम दे सकता है। मेरा मतलब ये कि कोई ऐसा चोर जो किसी चोरी को करने से पहले पहले उस चोरी के ऊपर पैसा लगाए और फिर उस चोरी को अंजाम दे, ये शायद इतिहास की पहली कहानी होगी। तो कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। कहानी की जो शुरुआत होती है वो राजस्थान के जयपुर से होती है, जिसे आप और हम सब लोग पिंक सिटी, गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। तो जयपुर की ये कहानी है। इस कहानी में तीन पात्र हैं, पहला डॉक्टर सुनीत सोनी, दूसरा संजीव अग्रवाल और तीसरा जो पात्र है उसके अंदर चार पांच बंदे हैं। अब ये कहानी क्या है, कहानी के बारे में सुनते हैं। तो कहानी की शुरुआत जयपुर से होती है। इसी जयपुर शहर के अंदर एक डॉक्टर रहते हैं, सुनीत सोनी। उनका अपना क्लिनिक है, शहर में काफी दबदबा है। डॉक्टर सुनीत सोनी हेयर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर हैं, यानी जो लोग गंजे होते हैं उनके सर पर बाल उगाना, बाल लगाना, तो इन सब चीजों का ये डॉक्टर थे। और इनका अपना क्लिनिक है जयपुर शहर में, काफी दबदबा है, काफी पैसे भी हैं इनके पास। तो डॉक्टर सुनीत सोनी की मुलाकात होती है, इसी जयपुर शहर में एक शोरूम है ज्वेलरी का और उसके मालिक है संजीव अग्रवाल। तो एक दिन डॉक्टर सुनीत सोनी की मुलाकात होती है संजीव अग्रवाल से काम के सिलसिले में। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती हैं, जब मुलाकातें बढ़ती हैं तो फिर दोस्ती होती है और दोस्ती काफी ज्यादा हो गई। तो एक बार संजीव अग्रवाल जो ज्वेलर है, ये डॉक्टर सुनीत सोनी को एक सलाह देते हैं, चूंकि आपके पास बहुत सारा पैसा है, इस पैसे को आप बैंक में डालेंगे, सेविंग अकाउंट करवाएंगे तो आप इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों या बैंक की जांच के घेरे में आप आ सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप इन पैसों से ज्वेलरी खरीद लें, चांदी खरीद लें, सोना खरीद लें, ताकि आप उसको अपने घर में रख सकें और आप किसी भी जांच एजेंसी से आप बचे रहें। तो ये आइडिया डॉक्टर सुनीत सोनी को अच्छा लगता है। तो उसके बाद डॉक्टर सुनीत सोनी अपने ही दोस्त संजीव अग्रवाल के शोरूम से धीरे धीरे करके चांदी खरीदना शुरू करते हैं। इस बात है साल 2020 की। धीरे धीरे करके चांदी खरीदते हैं अलग अलग खेत में। जब काफी सारी चांदी ये खरीद चुके होते हैं, बीच बीच में संजीव अग्रवाल क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी डॉक्टर सुनीत सोनी को चांदी दे देता था, तो डॉक्टर सुनीत सोनी को ये बात अच्छी लगती थी। तो धीरे धीरे करके फिर डॉक्टर सुनीत सोनी ने काफी सारी चांदी खरीद के इकट्ठा कर ली। तो एक दिन फिर संजीव अग्रवाल डॉक्टर सुनीत सोनी को ये सलाह देते हैं कि आप इस चांदी को, जो ज्वेलरी आपने खरीदी है, इसको आप अपने घर में जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दें, ताकि किसी को पता ना चले, किसी भी इनकम टैक्स या किसी भी एजेंसी को पता ना चल सके कि आपके पास कितनी चांदी है, कितना ज्वेलरी है, कितना पैसा है। तो आप इसको अपने घर में जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दें। डॉक्टर सुनीत सोनी को यह बात अच्छी लगती है। करीब ये बात है साल 2020 के दिवाली के करीब की ये बात है। उसके बाद डॉक्टर सुनीत सोनी फिर संजीव अग्रवाल की मौजूदगी में अपने घर में गड्ढा खुदवाते हैं। उनके घर में एक बेसमेंट है, उस बेसमेंट में वो गड्ढा खुदवाते हैं, तहखाना, और उस तहखाने में वो जितनी भी चांदी थी उस सारी चांदी को करीब करीब तीन बड़े बक्सों में भरकर उस गड्ढे में गाड़ देते हैं और फिर ऊपर से उसके ऊपर टाइल वाइल लगा के उसको पक्का फरस दे देते हैं। यह बात सारी संजीव अग्रवाल को पता थी। संजीव अग्रवाल को एक बात और पता थी, और वो ये कि डॉक्टर सुनीत सोनी जिस घर में रहते हैं, इस घर के पीछे जो प्लॉट है ये खाली पड़ा है। तो जिस दिन जब ये चांदी गाड़ी गई थी उसी दिन से संजीव अग्रवाल के दिमाग में खुराफाती आइडिया ने जन्म ले लिया था। उसके बाद संजीव अग्रवाल के शोरूम में चार इंप्लॉय काम करते थे, उनमें से एक का नाम था बनवारी लाल। तो संजीव अग्रवाल फिर बनवारी लाल के नाम पर वो जो प्लॉट खाली पड़ा था डॉक्टर सुनीत सोनी के घर के पीछे, उस प्लॉट को खरीदते हैं,
उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं बनवारी लाल के नाम पर, वो पैसा भी 90 लाख रुपए में वो प्लाट वो खरीदते हैं। प्लाट खरीदने के बाद पड़ोसियों को बताते हैं कि यहाँ पर आने वाले टाइम में बड़ी बिल्डिंग बनेगी, घर बनेगा, लेकिन उससे पहले वो चार दीवारी करते हैं सारे प्लाट के चारों तरफ। चार दीवारी करके फिर उस प्लाट के अंदर एक कमरा बनवाते हैं, और जिस दिन वो एक कमरा बनवा देते हैं, ये करीब करीब नवंबर दिसंबर 2020 की बात है, जब वो कमरा बनवा देते हैं, जिस दिन वो कमरा बन के तैयार हो गया, तो उन्होंने अपने प्लान के अंदर 5 लोगों को शामिल किया संजीव अग्रवाल ने। पहला उनका भतीजा जतिन, और 4 उनकी दुकान के एम्प्लॉय जिसमें एक बनवारी लाल भी था, इनको वो शामिल करते हैं, और धीरे धीरे करके वो उस कमरे में अब गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। हालांकि संजीव अग्रवाल को सारी बात पता थी कि सुरंग कितना लंबा खोदना है, और कितना लंबा खोदने के बाद सुरंग उस तहखाने तक पहुंचेगा जहां पर चांदी के जो चांदी है वो बक्सों में भर के रखी गई है, तो सारी चीज संजीव अग्रवाल को पता थी। तो 10 फिट नीची सुरंग की खुदाई करने के बाद वो 26 फिट लंबी सुरंग खोदते हैं, और उनको पता था कि 26 फिट लंबी सुरंग खोदने के बाद उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर बक्से हैं। 26 फिट लंबी सुरंग जब वो खोदते हैं तो रास्ते में एक पानी की टंकी आ जाती है खुदाई के दौरान। तब उनको पता था कि अगर पानी की टंकी में अगर दरार आती है खुदाई के दौरान, अगर चोट लगती है तो लीकेज हो सकती है, और लीकेज होगी तो फिर पानी भर जाएगा सुरंग में, रास्ता बंद हो जाएगा, पड़ोसियों को भी पता चल जाएगा, जब उनके घर पर पानी नहीं पहुंचेगा फिर वो शिकायत करेंगे। तो फिर वो दोबारा से रास्ता घुमाते हैं, और फिर 20 फुट लंबी सुरंग जब वो खोदते हैं, और खोदने के बाद वो एग्जैक्टली उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो चांदी रखी गई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके वो चांदी को निकालना शुरू करते हैं। तो ये बात है साल 2021 13 फरवरी को वो लोग पूरी खुदाई कर लेते हैं, उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर चांदी थी, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके चांदी निकालना शुरू करते हैं उन तीनों बक्सों से। 13, 14, 15 करीब करीब 2-3 दिन वो लगातार चांदी निकालते हैं, और चांदी निकालने के बाद फिर वो लोग उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। समय बीतता है, 2-4, 10 दिन बीतते हैं, तो एक दिन डॉक्टर सुनीत सोनी को ये लगता है कि अब उन्हें वो चांदी एक बार देखनी चाहिए, कहाँ पर वो चांदी जहाँ पर रखी थी वहां पर उस चांदी को एक बार देखना चाहिए किस हालत में। जब डॉक्टर सुनीत सोनी अपने बेसमेंट में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर खुदाई जैसा कुछ है। उसके बाद जब उस तहखाने में घुसते हैं तो वो देखते हैं कि तीनों के तीनों जो बक्से हैं वो खाली हैं, किसी भी बक्से के अंदर कोई भी चांदी या कोई भी ज्वेलरी नहीं है। ये देख के डॉक्टर सुनीत सोनी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसके बाद वो देखते हैं कि एक बक्से के नीचे एक रास्ता जा रहा है, एक सुरंग खोदी हुई है, उन तीन बक्सों में से एक बक्से के नीचे सुरंग खोदी हुई थी। उसके बाद डॉक्टर सुनीत सोनी, अब जाहिर सी बात है अब शिकायत भी नहीं कर सकते, पुलिस स्टेशन में अगर जाएंगे तो फिर उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा, इतनी चांदी थी, पुलिस पूछताछ करेगी कहां से आई चांदी, तो तमाम सारे झमेले हो सकते हैं। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके जयपुर पुलिस के पास पहुंचते हैं, और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं, और शिकायत ये करवाते हैं कि उनके घर में उन्होंने कुछ चांदी लिहाजा सेफ्टी के तौर पे दबा के रखी थी जमीन में, और वो चांदी गायब हो गई। उसके बाद फिर जयपुर पुलिस उनके घर पर पहुंचती है, वो उस बेसमेंट में जाती है, उस तहखाने में जाती है, वो देखते हैं कि हाँ यहाँ पर तीनों तीन बक्से और उनमें कोई भी चांदी या कोई भी ज्वेलरी नहीं है। उसके बाद वो देखते हैं कि एक बक्से के नीचे एक सुरंग है। उसके बाद पुलिस वाले सुरंग के जरिए निकलना शुरू करते हैं। जब वो धीरे धीरे निकलते तो करीब 20 फिट चलने के बाद वो जो सुरंग है वो उस मकान के पीछे जो प्लॉट है जिसके अंदर वो कमरा बनाया था संजीव अग्रवाल ने, उस कमरे के अंदर जाके उसका दूसरा जो किनारा है जो छोर है वहां पर निकलता है। उसके बाद फिर पुलिस पता करती है प्लॉट किसके नाम पर है, तो पता चलता है कोई बनवारी लाल है जिसके नाम पर ये प्लॉट है। उसके बाद फिर पुलिस बनवारी लाल को पकड़ती है। बनवारी लाल को जब पकड़ती है और उससे सख्ताई से जब पूछताछ करती है तो फिर बनवारी लाल सारी की सारी चीजें बक देता है। वो बता देता है कि उसके अलावा 5 लोग इस साजिश में शामिल थे, खुद उनका मालिक संजीव अग्रवाल, उनका भतीजा जतिन, उसके अलावा 3 एम्प्लॉय। पुलिस धीरे धीरे करके इन सारे लोगों को पकड़ती है, लेकिन संजीव अग्रवाल और उनका भतीजा जतिन तब तक भाग चुके होते हैं, वो पुलिस के पकड़ से बाहर होते हैं। जब ये सारी चीजें पता चलती है तो हालांकि डॉक्टर सुनीत सोनी ने पुलिस को कभी एग्जैक्टली बताया ही नहीं कि आखिर कितनी चांदी थी, लेकिन आप देखिए कि 90 लाख रुपए में अगर कोई बंदा प्लॉट खरीदे तो जाहिर सी बात है जो चांदी की जो कीमत है, पुलिस ने भी सोचा कि चांदी की जो कीमत है जिसे चोरी करने के लिए संजीव अग्रवाल या चोर ने अगर 90 लाख का प्लॉट पहले खरीदा है तो जाहिर सी बात है चांदी की जो कीमत है वो काफी करोड़ों में होगी। उसके बाद फिर वो तहकीकात शुरू करते हैं, और कुल मिला के बात यह है कि जो वो चांदी थी वो पुलिस के अनुसार करीब करीब करोड़ों रुपयों की चांदी थी।
जिसका सही तरीके से हिसाब किताब डॉक्टर सुनीत सोनी ने दिया ही नहीं। उसके बाद फिर डॉक्टर सुनीत सोनी को भी पता चलता है कि साजिश में उनका दोस्त, अपना जो ज्वेलर उनका दोस्त संजीव अग्रवाल शामिल है। कहते हैं कि संजीव अग्रवाल ने वो सारी की सारी चांदी बेच दी थी, और वो इसलिए कि कहते कि संजीव अग्रवाल के सर पर भी कर्जा था, तो उस कर्जे को उतारने के लिए धीरे धीरे करके उन्होंने अलग अलग खेत में उस चांदी को बेच दिया था, और इसीलिए उन्होंने चोरी की थी ताकि वो कर्जा उतार सके। तो फिर बाद में डॉक्टर सुनीत सोनी को भी पता चलता है कि उन्हीं का अपना दोस्त संजीव अग्रवाल ज्वेलर ने वो सारी चोरी की है। तो ये पूरी कहानी थी राजस्थान के जयपुर के डॉक्टर सुनीत सोनी, संजीव अग्रवाल, उनका भतीजा जतिन और उसके अलावा चार उनके शोरूम के एम्प्लॉय, इनके बीच की ये कहानी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक चोर ने एक चोरी को करने के लिए पहले 90 लाख के इन्वेस्टमेंट के 90 लाख रुपए लगाकर पहले प्लॉट खरीदा, फिर वहां से करोड़ों की चांदी चुराई, फिर उसको बेच दिया ताकि अपना कर्जा उतार सके। तो ये कहानी है राजस्थान के जयपुर की। मैंने जब सुना तो मेरे को अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी कहानी सुनानी चाहिए। तो कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और कहानी।